विचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिउर लाए रघुपति किन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत समभाई सहस्र वदन तुम रोजस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिलाए राजपद दिन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्योतारि मधुर फल जानु प्रभु मुद्री का मिली मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक नाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जोलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा हे परसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे
जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चिंतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल धीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव तिनाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप सियावर, राम चंद्र प्रिय हो, राधावर कृष्ण चंद्र प्रिय हो, उमापति महादेव प्रिय हो, पवन सुत हनुमान प्रिय हो, बोलो भाई सब संतन प्रिय हो। हरि ओम आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो लब्धासो अपरितास उद्विद देवानो यथा सदमिद बुधे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमति रुजुयताम् देवानां रातिरविनो निवर्तताम् देवानां सत्यमुपसेदि मा वयम् देवान् आयु प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदा भूमहे वयम् अगम् मित्रमदिदिम् दक्षमश्रिदम् अर्यमणम् वरुणम् सोममश्विना सरस्वतीन सुभगा मयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजम् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौ तद्ग्रावाण सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना शृणुतम् दिश्यायुवम् तमीशानम् जगतस्तस्तुषस्पतिम् इयम् जिन्वामवासे भूमहे वयम् भूषानूयता वेद साम सद्हृदे रक्षिता पायुरलब्ध स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृतस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न स्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पते ददातु वृषदस्वा मरुत वृष्णीमातर शुभम् यावानो विदधे सुजग्मय अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रम् कर्णे विश्रूयाम देवा भद्रम् पश्येमाक्षवीर्यजत्रा स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवांसस्तनूनि यशेम देवहितम् यदायु शतमिन्नु शरदो मन्ति देवा यत्रा नश्चक्राचरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र वितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषतायुर्गन्तो यो शान्तिरन्तरिक्षम् शान्ति पृथिविशान्ति प्रापश्शान्ति रोषदयशान्ति वनस्पतयशान्ति विश्वे देवाशान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वम् शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति एवायेव एवायज्ञे एवाहिन्द्रः एवाहि भूषण एवाहि देवा पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदस्यते पूर्णस्य
जय सियाराम। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। आफ्टर ए शॉर्ट बट अ वेरी इमोशनल वेलकम टू बापू ऑन बिहाफ ऑफ यजमान परिवार, हिज एक्सेलेंसी शेख सुल्तान अल काज़मी took the mic and he thrilled the audience by greeting them with the traditional Jai Siyaram. Bapu responded by appreciating the broad-mindedness of His Excellency and the noble tradition of religious tolerance of his family. Bapu and Sheikh, both of them, are deeply religious persons, but they are totally free from fanaticism. To Bapu and to Sheikh Sahab, Ram, Allah, Khuda are but the names of the Supreme Divinity. Such religious understanding and tolerance and mutual respect between the people and the communities will solve numerous problems if they are based on truth, love, and compassion. This would be the way of avoiding communal conflicts. As is usual with him, Bapu chose Kishkindha Kand as the central theme on which he is going to focus during the next 9 days. Kishkindha Kand, standing at the center of Manas, is the smallest but the most significant kand in the Manas. It marks the entry of Hanuman in Ram Katha. It is the fourth kanda, the fourth round that the bride and the bridegroom take around the fire to seal their relationships. Bapu wanted us to enter into such an intimate relations with the divine. Kishkindha Kanda is very relevant to the problems faced by people of all ages and genders in the modern life. Bapu clarified that his katha are not mere pravachans, they are not mere preachings or babbling of tongues. Katha for him is a way, a medium to express his love for his Shrutas. And love can be expressed in many different ways, but Katha is the way in which Bapu expresses his love. Younger generation today faces many problems and many severe situations. Bapu said that water is the solution to the problem of fire. Health is an antidote of sickness, and the heat is the cure for the coldness. Similarly, these problems can be solved, especially if they are mental problems, can be solved only by the internal process of mind. United in the intimacy, like marriage with the Supreme, Paramatattva. Such spiritual union, Adhyatma, is to get negativism converted into positive thinking. Bapu emphasized that spiritualism or Adhyatma is not something of a mystery. If we can sleep with a satisfaction, santosha, for the work done in the day and get up next day with the fresh enthusiasm, utsaha, that is Adhyatma as far as Bapu is concerned. Progress, vikasa, during the day, and restfulness, vishrama, at night is the best of life. Manas is based upon several samvadas, and Kishkindha Kanda consists of 9 major dialogues which offer solutions to all of us in our problems
of today. Bapu said that number, the Nava stands for number 9, and it also stands for something which is new. Bapu listed the 9 dialogues, dialogue between Ram and Hanumana, between Ram and Sugriva, between Wali and Tara, between Ram and Wali, between the brothers Ram and Lakshman, between Swayam Prabha and the monkeys. There are also dialogues between Sampati and monkeys, Jambuvant and Hanumana, and 9th and the final dialogue is when Tulsidasji is talking to his mind. Bapu invited Shrutas to participate in this discussion or the Samvada. Kishkindha Kanda starts with the word forward step, Age, of Ram. Ram is always moving ahead and will not stop till his goal is reached. Life is not static. Life is a flowing Ganga, facing new situations and fresh problems every day. Ram is continuously on the move, and he can move because he is fearless. He is devoid of fear, Nirbhaya. Sugriva stays only in one place and therefore suffers from innumerable fears. In this connection, Bapu mentioned the dialogue, silent dialogue, Mauna Samvad, which he had with a fakir who defined alak as one who seeks amrita as a laksha in this entire world or kalak. Bapu commented on passing on all the dialogues. Bapu commented in passing on all the dialogues that took place, reserving his detailed comments for the later days. On Wali and Tara Samvad, Bapu said that if husband and wife talk to each other, rather than talking across each other, there will be peace and harmony in the family. In the family life, his comment on the Ram and Lakshman Samvad was that it's a discussion which emphasizes season, Rutu, and truth, Ruta. Bapu insisted on continuous search and search for the new, search for the fresh. And he quoted Jesus, who advised that we should have new clothes and new thoughts every day. Life has many goals, and people may have different objectives in life, but we should strive fearlessly to go on till the final goal is secured. In this connection, Bapu referred to a dialogue in the Balakanda where Lakshmana fearlessly speaks up to Parshurama, of whom the whole world was afraid. Bapu advised that we should everywhere strive to secure more and more of Shubha and gradually overcome all these fears, because Bapu pointed out that Sugriva is so weak and is so always afraid, even though he has Hanuman as his companion. Bapu emphasized that bliss, prasannata, can be achieved only by total freedom from fear. And such bliss, prasannata, can lead to self-realizations or Paramatma Darshana. Bapu then turned to the text of the Katha, and this would be a reversal of a sort from Kishkindha Kanda to Balakanda. But Bapu said that if you have to untie a knot, gaunt, we have to reverse the process. Bapu mentioned 7 sopans of Manasa. The first 6, each one of them poses some problems of different types. But the 7th Kanda offers the solution which leads to the final restfulness or Vishrama. Tulsidasji mentioned Kashi
and Mahadeva in Kishkindha Kanda, and then the fourth and the final round of marriage, said Bapu, we should give away our intellect to the Supreme. He referred to the request of Bhishma to Krishna to accept his virgin intellect. Tulsidas ji starts his manas with the shlokas devoted to Panchayatan and then turns over to the popular language, Lokabhasha. Bapu explained the implications of worshipping Ganesha, Surya, Vishnu, Durga, and Mahadeva, and inter alia regretted the way in which we are worshipping Ganesh and Durga and creating nuisance for everybody. Tulsidas ji then turns to Guru Vandana because Guru is an embodiment of all the panchayats, as he has the qualities of all the five deities. Bapu pointed out that Guru Vandana is not a devotion to a person. Guru is an ideal. No human being can ever be a guru, but Guru is not a mere human being because he has the divine element in his person. Because of all this spiritual capacity of the Guru, the feet of Guru Charana, the dust at his feet, Charana Raja, the shining of his nails, Nakhajyoti, and even his shoes, Paduka, has a special significance for the devotion. Tulsidas ji says that Paduka gives several different type of experiences. Some hear, some see, some feel, somebody would smell. And Bapu said, and Bapu quoted the experiences of Kaushalya, Draupadi, Uddhav, Radha, and Amir Khusro. But Bapu emphasized that Bharata experienced all the experiences together. Finally, Bapu turned to Hanuman Vandana and advised his Shrutas to worship Hanumana in the Saumya Swarupa. Thank you.
राज्यपाल गुरुस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रिय Yeah.
बाप नौ दिवसीय राम कथा के दूसरे दिन की कथा के आरंभ में आप सभी को निमित मात्र यजमान परिवार को और अपनी तमाम व्यवस्था को किनारे करके केवल कथा प्रीति के लिए विधिविध विद्या के उपासक जो कथा में आए हैं ये सभी उपासकों को और आदरणीय बापा गत दिन की कथा को अंग्रेजी में सार सार रूपांतरित करके हर वक्त पेश करते हैं बापा को और विज्ञान के सदुपयोग से पूरी दुनिया में देखी जा रही सुनी जा रही राम कथा के सभी श्रावक भाई बहनों को व्यासपीठ से मुरारी बापू प्रणाम कर रहा है। बाप मानस किष्किंधा कांड जो रामचरितमानस का चौथा सोपान है जिसमें कल भूमिका में कहा गया मेरी दृष्टि में नव संवाद है। इसका पहला संवाद राम हनुमंत संवाद जो हमारे जीवन के बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान है। गौर किया जाए लेकिन इससे पूर्व कुंदे कुंदिंदु वरे सुंदरा पति बलो विज्ञान किष्किंधा कांड के मंगलाचरण में गोस्वामी जी ने दो मंत्र लिखे हैं। एक मंत्र में भगवान राम का दर्शन और तत्पश्चात दूसरे मंत्र में इस भगवान के परम पावन नाम का दर्शन। जिस लोगों को तुलसी के काल में कुछ पीड़ा रही कि तुलसी का संस्कृत ज्ञान जरा कमजोर था, उसको निमंत्रण दे रहा हूं
कि प्रत्येक सोपान के मंगलाचरण को जरा शांति से उसका दर्शन करें। ये तुलसी की करुणा है, मेरी दृष्टि में 80% इस आदमी ने संयुक्ताक्षर को इनकारा है। अर्थ नहीं लिखेगा, अर्थ लिखेगा ताकि आखिरी व्यक्ति तक उसका संकेत पहुंचे। तमाम 80% दो 5% इधर उधर हो सकता है, 80% इस आदमी ने संयुक्ताक्षर वर्ण के बदले वरण लिखेगा। संस्कृत होगा तो वर्णानाम अर्थ संघानाम करेगा, लेकिन जोड़क जोड़े हुए शब्दों का उच्चार तुलसी ने नहीं लिखा, जानते हुए भी, क्योंकि हेतुहीन हेत केवल हेतुहीन हेत था। इसलिए तुलसी को इस शास्त्र को, विनय पत्रिका में एक पद है बाप गंगा स्तुति में, तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर। गंगा के तट पर तुलसी तीर तीर राम का सिमरन करते करते घूम रहे। ये केवल गंगा के तट पर नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान गंगा है, और हिंदुस्तान के गांव गांव के पादर में जब प्रिंट की व्यवस्था नहीं थी, रामचरितमानस लोक तक कैसे पहुंचे, उसको कौन छापे, कौन प्रकाशक इसका जिम्मा ले। तब ये अवधूत तुलसी निकला था मानस लेकर, तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर। हर मोहल्ले हर गांव हर नेस हर कस्बा, यहां तीर का मतलब है हर गांव का पादर छाना, और सुमिरन रघुवंश भी। आप कहे वो तो गंगा के तट पर, लेकिन अपने दोनों हाथ में गंगा लिए जा रहा था। रामायण क्या है, पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंग, पूछे रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावनी। एक निवेदन में विनोबा भावे के हवाले से करना चाहता हूं, महामुनि विनोबा जी का हवाला दे रहा हूं। आपने कहा है कभी कि कुरान में ऐसा कहा है परमात्मा ने कि मैं हरेक भाषा को जानने वाले के लिए एक एक पैगंबर भेजता हूं। ए अरबो, ए अरब भाई बहन, मैं तुम्हारे लिए, मोहम्मद पैगंबर साहब कहते हैं, आपकी बोली में खुदा का मैसेज लेकर आया अरबी भाषा। और वहां पवित्र कुरान का निवेदन विनोबा जी के द्वारा, प्रत्येक भाषा को एक एक पैगंबर मिला है। इसमें हिंदी, लोक हिंदी, भोजपुरी हिंदी, अवधी हिंदी, तलगा जरड़ी हिंदी, उसका पैगंबर गोस्वामी तुलसीदास है। ये उसका पैगाम लेकर आया है।
साहब एक समय था हिंदुस्तान में भगवत गीता कौन जाने, देहाती लोग, ये तो बाद में कोर्ट में भगवत गीता आई, लेकिन हार्ट में तो रामचरितमानस था। मैं स्वामी श्रद्धानंद जी को स्मरण करूं, पुण्य स्मरण करूं, स्वामी श्रद्धानंद बहुत बड़ा नाम है साहब। उसने अपने स्मरण में अपने पिता की एक नोट लिखी, उसमें लिखा कि मेरे पिताजी ने एक चोर को पकड़ा और चोर को कहा कि तूने चोरी नहीं की है, ऐसी तूने गांव के सरपंच के पास दो टुक कहा है कि मैंने कोई चोरी नहीं की। पूरा गांव मान बैठा है, लेकिन मेरी आत्म प्रवृत्ति मुझे मानने में नाराज कर रही है, एक बार मेरे सामने बोल। और मेरे सामने देख, तब मेरे हाथ में रामचरितमानस है, वो देख, और मुझे देखते हुए रामचरितमानस को देखते हुए बोल, तूने चोरी की? उसने कहा मैंने चोरी की। आत्मनिवेदन करा देता है, ऐसा एक शास्त्र है जो व्यक्ति को आत्मनिवेदन के घाट पर पहुंचा देता। तो ये रामचरित मानस तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर। आपको समय है ना, हम तो हमारा रस लूट रहे हैं। विनय का पद है, तुलसी कहां कहां घूमे हैं, हिंदुस्तान का कोई घर सनातन धर्मावलंबियों का खाली नहीं था तुलसी के पौधे के बिना। तुलसी जिसके घर में तुलसी का पौधा देखा और गोस्वामी जी वहां मानस लेकर गए, किसी तरह प्रचार प्रसार हुआ। रघुवंश वीर Yeah.
कस्बे कस्बे तक रामचरितमानस का प्रचार और लोक हृदय में इस शास्त्र को स्थापना करने के लिए तुलसी ने जोड़ाक्षर को छोड़ा। फिर एक बार विनोबा का एक वक्तव्य और स्मरण में आ रहा। विनोबा जी ने कहा कि भारत में यदि बुद्ध के बाद किसी एक व्यक्ति का आध्यात्मिक साम्राज्य रहा हो तो वो गोस्वामी तुलसी थे। बुद्ध के बाद, तथागत बुद्ध के बाद, बुद्ध को हमने निकाल भी दिया, चलो, क्योंकि हमारी मूल बातों पर उसने थोड़ा प्रहार किया और मूल बातें भी हमने मूर्खता के कारण पकड़ रखी थी, उस पर उसने प्रहार किया, तो हमने बुद्ध को देश निकाला, दे दिया। बुद्ध के विचार विदेश में बहुत गए। जापान के किसी घर में आप बूट पहनकर पैर नहीं रख सकते, घर में साहब, घर के बाहर पैर रखो, क्योंकि जापानी मानते हैं कि प्रत्येक घर मंदिर है। ये बुद्ध प्रभाव है, मंदिर बनाने नहीं पड़ते, खाली थोड़ा रिनोवेशन करो, घर को ही बना दो, थोड़ा फेरफार। मेरे पास शुरू शुरू में बहुत लोग कहते थे, बापू आपको इतने सुनने वाले आपको ये है, आप अपील करो तो यहाँ मंदिर कर सकते हैं, यहाँ मंदिर होने चाहिए, जो कर रहे हैं सब प्रणम्य है। लेकिन मैं कहता था कि मेरा काम मंदिर बनवाना नहीं है, मेरा काम को जहाँ जो आदमी रहता है उसी घर को मंदिर का रूप देना है। मंदिर हो और उसमें शराब पी जाए तो, मंदिर हो और उसमें जीव हत्या की जाए तो, मंदिर हो और नर बलि पशु बलि अश्व बलि गो बलि तक बलि दिया जाए तो, मंदिर हो और छल कपट का नेटवर्क बनाया जाए तो बेटर है, घर मंदिर हो। रावण की लंका में मेरा हनुमान घूमता है तो मंदिर ही मंदिर देखता है। मंदिर मंदिर प्रतिकरी सोधा, एक ही जहां तह अगणित योद्धा। मंदिर में योद्धा देखे, योद्धा हो वहां परोक्ष अपरोक्ष युद्ध होता ही है, मंदिर में तो बुद्धा होना चाहिए, योद्धा है। सबको सोए पाया मंदिर, इसलिए मेरे गोस्वामी जी लिखते हैं, पावन ये कभूमि देह सुहावा, हरि हरि मंदिर रखा। एक भवन देखा हनुमान जी ने, मंदिर है छोटा सा लेकिन बिलग है। तुलसी का पौधा लगा हुआ है आंगन में, रामायुध अथवा तो राम नाम अंकित भवन है, गृह है। श्री हनुमान जी महाराज सोचते हैं कि पूरी लंका में मंदिर योद्धा सोए है, कुछ ये है कुछ ये है, इसमें जानकी नहीं है, शायद इस भवन से जानकी की खबर मिल जाए, मंदिर से तो भक्ति का पता नहीं मिला, शायद भवन से मिल जाए। और रावण भी मवन और मंदिर का भेद समझता था, रहता है तो बड़े बड़े आलिशान प्रासादों में रावण, अवश्य गए वो दशानन मंदिर, तुलसी कहते दशानन के मंदिर में गए हनुमान जी, बड़े बड़े मंदिर में, लेकिन भवन क्या चीज है उसका ज्ञाता रावण था, क्योंकि भवन एकमात्र विभीषण का था और एक दूसरा भवन था सुषेण का, जहां लुकोपयोगी विश्व के उपकारक वस्तु जहां रहती हो उसको
सच्चा मंदिर माना जाए, फिर भले उसको गृह कहो कि भवन कहो। कवि काग बापू कहते कि जगत को उपयोगी चीज लेकर आप किसी मेरु पर्वत के शिखर पर चढ़ जाओ तो भी दुनिया तुम्हारे पास आएगी, क्योंकि तुम्हारे पास लोक मंगल की कोई चीज है, जगत आपके पास आएगा। और आप इस थोड़ा सुंदरकांड का संदर्भ है, आप जो रोज पाठ करते हैं वो जान गए कि हनुमान जी अशोक वाटिका में आए, सीता जी बैठी है दुखी हैं। मानस के आधार पर हनुमान जी आए अशोक वाटिका में, उसके बाद ही रावण अशोक वाटिका में आया, बाकी अपहरण करके व्यवस्था करके रावण अपने मंदिर में चला गया, उसके बाद कभी नहीं आया अशोक वाटिका में। हनुमान जी को अपने गुरु की गंध आई थी, रावण को, कि मेरा शंकर अवतार हनुमान, मेरा गुरु आ गया है। और जब गुरु उपस्थित हो तो अशोक वाटिका में जानकी को मिलने में कोई हरकत नहीं, वरना दुनिया अंगुली उठाएगी। गुरु की गंध, पादुका की गंध आती है, हनुमान की गंध आई थी रावण को, इसलिए सब परिवार गया कि गुरु आया है दर्शन कर लो। थोड़ा आदमी की रीत बिलक थी, अक्कड़ था जरा, लेकिन अंदर से तो गजब का आदमी था। अशोक वाटिका की घटना के पास मेरे भाई बहन, हम सुंदरकांड का पाठ करने वाले, हम विशेष जाने कि अशोक वाटिका में के बाद रावण कहां गया। अखाड़े में गया नहीं, जहां मनोरंजन प्राप्त करता था वहां गया नहीं, अपने मंदिर में गया नहीं। भवन गए वो दस कंधर, यहां पिशाच बृंद सीत त्रास खावे, तरहि गुरु रावण भवन में गए। किसके भवन? विभीषण के घर गया कि भैया मेरा रोल भी लग है, लेकिन तू पहचान लेना शंकर अवतार आ गया है, तुझे खबर करना, तेरी ड्यूटी तू निभाना, मैं तो कुछ भी बोलूंगा लेकिन मेरे सामने बात ड्यूटी। ये विभीषण को सावधान करने गया कि कम से कम ये जाग, क्योंकि कुंभकर्ण को तो सावधान करने की बात ही नहीं, एक भाई तो हुते लोज आ पी पी ने सुतो रहतो, अथवा तो विषयों में डूबा रहता था, जागता था, अथवा तो किसी संत के आगमन से जो जाग गया था, ते ही समय विभीषण जागा। तो सोचा कि जो जागता है उसके घर जाकर कम से कम उसको कुछ कह दो कि तू सावधान हो जाना। रात्रि आई है जिसका नाम काल रात्रि है, उसके कदम कदम पर संत आया है, और संत आया है तो काल का काल जो भगवंत है वो भी आएगा। इस समाचार देने के लिए रावण मंदिर नहीं गया था, भवन गया था। मंदिरों की महिमा है अवश्य, लेकिन हम थोड़े सब मंदिर बनवा पाएंगे हम और आप। घर को मंदिर बनाओ, घर ही मंदिर है। फिल्म के एक गीत में तो लिखा है, दिल एक मंदिर है, प्रेम की जिसमें होती है पूजा, ये ऐसा ही दिल एक मंदिर है। कहने का मेरा मतलब मेरे भाई बहन, प्रत्येक घर में तुलसी है, और ये तुलसी तब तीर तीर सुमिरत
रघुवंश वीर। इस न्याय से रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने घर घर पहुंचाया, घट घट पहुंचाया, कोई संयुक्ताक्षर जुड़ाक्षर नहीं लाए। और मैं विनोबा के हवाले से कुछ बातें आपके सामने पेश, कभी हाथ में आ जाए तो तुलसीदास जी पर विनोबा जी का चिंतन पढ़ने जैसा है। हाँ साहब, बहुत सुंदर। बाबा बोले तुलसी में डूबे हुए हैं विनोबा जी। यस, एक जगह तो विनोबा जी कहते हैं वाल्मीकि ने, वाल्मीकि रामायण प्रभाव से लिखी है, लेकिन व्यास ने महाभारत प्रज्ञा से लिखी है, और शुक ने भागवत प्रेम से गाया है, लेकिन प्रेम प्रज्ञा और प्रभाव से तीनों को मिलाकर किसी ने कोई शास्त्र की रचना की तो वो गोस्वामी तुलसीदास है, जिसने तीनों को मिलाकर रामचरितमानस की रचना की है। तो मेरे कहने का मतलब, संस्कृत के प्रकांड विद्वान रहते हुए लोक मंगल की यात्रा उसकी थी, लोकों तक जाना था, आखिरी आदमी तक बात जानी चाहिए साहब। ये बहुत अद्भुत काम है। संस्कृत नहीं आता, संस्कृत में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा होता तो शायद आपड़ू गजू न तो मुरारी बापू नो तो नौतु, तमें कदाच निकली जाओ निकली जाओ, तमारू कहीं कहवा ही नहीं साहब, क्योंकि आपड़ू तो गजू न तो। हरेक भाषा में परमात्मा का संदेश देने के देने वाला कोई न कोई पैगंबर आता है, उसमें हमारी भाषा का पैगंबर तुलसी है, जो मानस का पैगाम लेकर आया। तो उस तुलसी के काल में कई लोगों को तकलीफ थी, आज भी कई लोगों को तकलीफ है, और अब तुलसी नहीं है तो मेरे साथ लड़ते हैं, कोई तो चाहिए। मैंने कहा मैंने क्या कसूर किया है, बाबा को पूछो, वहां जाओ 125 साल जीने के बाद, एमज कहवाई ना चरण चर उपड़े वो तो आपने कहिए नहीं, तुलसी 125 साल जिए। मेरा तो इतना ही निवेदन है कि कम से कम मंगलाचरण के मंत्रों को पंडित गण देखे राजी हूं। कुंदे वर सुंदरा वती वरो विज्ञान दा। संस्कृत में भी लोक साहित्य है, संस्कृत में भी लोक साहित्य है, लेकिन संस्कृत में होने के कारण कविराज आखिरी कुबे तक नहीं पहुंची, वो चारणी साहित्य में आया तो कुबे तक पहुंचा। राम रक्षा स्तोत्रम बुद्ध कौशिक ऋषि ही, अथ श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र से बुद्ध कौशिक ऋषि ही, श्रीमद हनुमान किलकम राम सीता देव, प्रत्येक स्तवन का वेद का या स्तोत्र हो तो उसका कोई देवता होता है, कोई ऋषि होता है, कोई छंद होता है, विनियोग होता है। मैंने अभी मेघाड़ी अवार्ड में दो टुक कहा था कि चारणी साहित्य लोक साहित्य का कोई ऋषि है तो केवल केवल अने केवल चारण है, चारण ही एकमात्र इसका ऋषि है। एमा कोई है, कोई है, जराय जीव बाळवानी जरूर नहीं, अने ऋषि वेशथी नथी थवातुं, वृत्तिथी थवाय। एकमात्र कोई आ छेल्ला माणस सुधी साहित्यने पहोंचाडवानो कोई, अने वेदमां देवता देवीवाचक शब्द छे, देववाचक छे है ही नहीं, स्त्रीलिंग में ही देवता,
तो कोई भी स्तवन का देवता होती, इसलिए हमारे लोक साहित्य और चारणी साहित्य का देवता देवी है, भेड़िया वाली है, जगदम्बा है। हलो मठड़ा, हलो बाप, क्या रेंज है, मान धाता थी मेघाणी सुधी, आ साहित्य नी रेंज, मेरू थी मचादर, बद्रीनाथ जाओ तो हेमकुंड थी हेमू गढ़वी सुधी नी रेंज। टीना आशीष लेरज करवी से ने के ज्ञान लेव से तो ठीक तो आओ मैदान में ने हजी तो सांजना कार्यक्रम आई लेर करवी से अमारो डेरो आयो से हामत करानानू बाळक मने के बापू बदा दुबई जईने शॉपिंग करे हूँ मुंबई शॉपिंग करवा आयो सोनल माँ अब कपाली ए भजा तन ए सोनल आखिरी व्यक्ति के तक पहुंचे। लोक विद्या तो संस्कृत के पास भी है, संस्कृत में भी पुराने लोक गीत है और आज नए नए संस्कृत के विद्वान संस्कृत में लोक गीत लिखने का स्तुत्य प्रयास भी कर रहे हैं। स्वागत है। मैंने से ना काले अर्धा कलाक पछी खबर पड़ी कि हाचा हांडिया से खोटा से मैं तो मंगलाचरण करियो बोलवा मांड्यो, मैं कीधु आ बोतड़ा क्यांथी आवी गया आमां अने आटला सीधा साधा बोतड़ा, हाव डाया थईने एकाग्र चित्ते सांभळे। पण लगभग पौणा कलाक कलाक पछी खबर पड़ी कि आ तो एटले मारू ध्यान त्यां त्यां आमे मारू ध्यान बोतड़ा ऊपर ज वधारे। જેના અઢારે વાંકા હોય એને રિપેર કરવાનો ધંધો શરૂ કર્યો છે મારા બાપ, એને રિપેર કરવાનો અને પાછો હાવ મફતમાં। આ ખોટા છે ને આશી, મને હાવ સાચા લાગે છે, મને એમ કે હમણાં ઊભા થાય અને હું કરીને મારી હામાં આવશે એવું મને પગે લાગુ, નવ દિવસ આમને બેઠા રહેજો। તમે કઈ માતાજીનું વાહન છે? તું આમ ચડી જતો નહી હોય એના ઉપર ઊંટ ઉપર, નહીતર ઊભું થાય ઉભીધું। બાપ આખરી વ્યક્તિ તક પહોંચને કે લીએ જીસ સાહિત્યને दुनिया विद्वान कहे कि न कहे इसकी परवाह किए बिना जो ग्रंथ लेकर निकले थे उसकी, इसलिए मैं कह रहा था कि जापान में लोग अपने घर को मंदिर समझते हैं, बूट पहनकर अंदर नहीं जाते, ये बुद्ध प्रभाव था और बुद्ध के बाद लोक हृदय तक कोई पहुंचा है तो विनोबा भावे की दृष्टि में गोस्वामी तुलसीदास जी है, ऐसा विनोबा जी का मंतव्य है। तो ऐसा रामचरितमानस जो तुलसी का जो संस्कृत है, और मैं तो कुछ चौपाइयां भी खोज रहा हूं कि ये तो संस्कृत भाषा के लिए जो निशानी देनी चाहिए ना वो केवल तुलसी ने नहीं दी, ताकि लोक उच्चार, बाकी चौपाई संस्कृत में ही है, केवल निशानी नहीं दी है तुलसी ने, बाकी कई चौपाइयां ऐसी मैं खोज रहा हूं
मेरी अकल के अनुसार गुरु कृपा से, कि जो केवल संस्कृति ही है लेकिन लगती है अपनी लोक बोली, इसको थोड़ा संस्कृत का टच दिया जाए तो इस संस्कृत में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता। वेषण तत्पर, कौन है ऐसा देवता? इस्लाम धर्म कहता है, मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैं केवल दूत हूं, पैगाम देने आया हूं। अल्लाह तो केवल परमात्मा एक ही, ईश्वर तो एक ही है, उसके समान दूसरा कोई नहीं है, ऐसा इस्लाम धर्म का। मैं तो मुझे भगवान मत बनाना मोहम्मद साहब, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। ऐसे हम भी तो कहते हैं, राम समान प्रभु ना ही कहूं, राम के समान कोई ईश्वर नहीं, हम तो उसका पैगाम दिए जा रहे हैं बस। इंसान को भगवान मत बना देना, ईश्वर तो है परम तत्व। कैसा है राम? सीतान वेषण तत्पर, सीता की खोज के लिए जो तत्पर है। मुझे तो वहां स्पर्श करके आगे जाना, इसका मतलब है हमारी बुद्धि रूपी सीता को कोई ने कोई मोह रूपी रावण अपहरण करके ले गया है, और इसी बौद्धिक इस प्रज्ञा का बल हमें फिर प्राप्त हो, इसीलिए जो हमारी बुद्धि की तलाश में हमें मदद करता है, ऐसा है सीतान वेषण तत्परो पथिगतो। हमारे लिए ये पैरों से बिना जूते चल रहा है भक्ति प्रदौ तौ हिना, और हमारी भूली हुई भक्ति को प्राप्त करा देते हैं। उसका हमें गई बहोरी गरीब नवाजू, जो हमारी गई थी उसको बहोरी स्थापित कर दिया, जो हम लूट गए थे उसको प्रस्थापित कर दिया। गई बहोरी गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराज। ऐसे राम ऐसे सुंदर है, वर्धन विनो श्रेष्ठ धनुष बाण लेकर विज्ञान हो तो श्रेष्ठ होना चाहिए, शस्त्र हो तो वर श्रेष्ठ होना, क्योंकि श्रेष्ठ को एक जिम्मेवारी आ जाती है कि वो किसी को मारे ना, किसी को परेशान न करे। श्रेष्ठ वो है जो दूसरों को परेशान न करे। अभी एक कार्यक्रम में मैं था, एक दिन पहले दो दिन पहले, तो एक हमारे समय के तंत्री भानु दादा शुक्ला सुरेंद्र नगर के, तो उसके बेटे ने अपने पिता की समाधि का वो तो लोकार्पण था, तो मैं था वहीं, तो उसने कहा कि
मेरे पिताजी के बारे में, वो अपने बाप पिता के लिए अहोभाव, कोई भी बेटा अपने बाप के प्रति अहोभाव व्यक्त करता है और मरने के बाद तो खास करता है, क्योंकि उसके बाद तो सब लोग करते हैं। तो उसने बहुत अच्छे अपने अभिप्राय, उसने कहा कि मैं हाई स्कूल में पढ़ने गया तो फिर धीरे 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 सोबत के कारण सिगरेट शुरू की पीना, तो सिगरेट पीना शुरू की। कुछ दिन के बाद मेरे पिता मुझे मिलने आए, तो जहाँ जिस कमरे में मैं रहता था, 5 मिनट के बाद मेरे पिता ने कहा कि राहुल सिगरेट शुरू कर दी। बोले आपको पिताजी कैसे पता लग गया? नहीं तो नहीं पिया, नहीं मैं और सिगरेट पीऊँ, आपका बेटा। अच्छा बेटा ठीक है, तो बहुत अच्छा। बस कुछ समय के बाद बाप विदा लेता है, उसके बाद उसका बेटा अपना अनुभव कह रहा था कि मैंने देखा कि बाप को पता कैसे लग गया कि सिगरेट शुरू की है। तो उसने सोफे के नीचे देखा तो 2-3 ठूठा पीड़े था, बापाओं की आंखें बहुत तेज हो। मोतियो आवे ने ज्योतियो आवे, बीजी ज्योतियो प्रगटे, एने नवी नवी ज्योतो प्रगटे, समझा? ये मोतियो ने ज्योतियो बे हारे ने डॉक्टर ओली मोतियो काढ़ ना केन ओली ज्योतियो पछी एवी प्रगटे के खूणा में शू पड़ू से बधु गोती ले बापाओ। दिवासली पड़ी थी, बीड़ी सिगरेट आदि, फिर उस बेटे को बहुत पीड़ा हुई कि मैं झूठ बोला और मैं रंगे हाथ मुझे पकड़ लिया। फिर भी फिर वो बाप के, मुझे बात जो प्रिय लगी सो आपको सुनाता हूँ। तो कहा कि पिताजी मुझे माफ़ करें, लेकिन आप पहचान गए तो आपने मुझे डांटा क्यों नहीं? जवाब बहुत प्यारा है और सीखने जैसा युवा। उसके बाप ने कहा कि बेटा निर्बल पर प्रहार नहीं किया जा सकता, उस पर तो करुणा की जा सकती, क्योंकि तेरी कमजोरी ने तुझे सिगरेट पीने की ओर घसीटा है, ये तेरी कमजोरी है। और कमजोरी के कारण जो कुछ आदमी करता है, एक तो तू खुद निर्मल मानसिक रूप में हुआ, फिर मैं तेरा प्रहार करूं, तेरे पर तो दया करनी चाहिए निर्बल पर। ये जो बात है, विज्ञान ऐसा होना चाहिए निर्बल पर करुणा करे। धनुष राम का श्रेष्ठ है, वर धनविनो श्रुति न तो विज्ञान धामा वो। अपनी बातें कहना हो ठीक नहीं, लेकिन आप अपने हैं तो मुझे क्या परवाह, मुझे क्या चिंता। ब्रेबरोन स्टेडियम में जब सालों पहले एक चित्रलेखा और तख्ता वाला साहब, उसके द्वारा जो एक प्रश्नोत्तरी आयोजित हुई थी और विधिवत क्षेत्र के वडीलों ने प्रश्न पूछे थे और मुझे जवाब देने का सद्भाग्य मिला था, उसमें नानी पालखी वाला का एक प्रश्न आया। नानी पालखी वाला मीन्स कितना बड़ा आदमी यार, 2 मिनट इससे बात करने के लिए एयरपोर्ट जाते हो तो बीच में गाड़ी, यहाँ पर गाड़ी रुकेगी, 3 मिनट गाड़ी में बैठना, इतनी फी, फिर उतार दूंगा, ऐसा समय उसका रहता था। और भारत सरकार का जब पहला बजट निकलता था तो पहली कॉमेंट उसकी होती थी और पूरा देश उसको सुनने के लिए जाते थे। नानी पालकी वाला साहब, मेरा थोड़ा संबंध भी रहा था उसके साथ, संबंध मीन कोई कॉटनू बॉटनू काम ना तो आप बड़ी पैसा तमें के कैम कहता है, कहते संबंध मानी एक 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 स्नेहादर रखते थे, बड़े लोगों की महिमा होती है, बाकी तो और क्या। तो मिलते रहते थे कभी, तो उसका प्रश्न मेरे पास था कि बापू, वो तो अदालत का आदमी, तो उसको कहा कि बापू दया किसके साथ करनी चाहिए और दंड का विधान किसके साथ होना चाहिए, रामायण के आधार पर आप जवाब दें। मैंने तुरंत गुरु कृपा से कहा कि करुणा निर्बल के साथ होनी चाहिए और दंड सबल के साथ होना चाहिए। प्रमाण सुग्रीव और बाली, सुग्रीव कमजोर था इसीलिए राम ने उस पर करुणा की, और वाली सबल था इसलिए प्रभु ने कहा कि जो मैं तेरा दंड न करूं तो भ्रष्ट हो ही श्रुति मार्ग मोरा, उसको दंड। कमजोर के साथ करुणा, मेरे भाई बहन परिवार में भी ध्यान रखना कि कोई कमजोर है, कोई गलती करे तो करुणा करो, उसको डांटो नहीं,
थोड़ी बार आंखों बंद करी दो, मौके पर प्रेम से कहोगे इससे पहले तो वो सुधर जाएगा, क्योंकि करुणा बेअसर नहीं होती, दया कभी बेअसर, लेकिन उपाड़ो जे लई जाए ना आपड़े इतना भूल करी है ना तने अत्यारे न अत्यारे एम जा बधू पहलू थाय, थोड़ा धैर्य ये बहुत आवश्यक है। रामायण के सभी पात्र मां जानकी के सामने, तुलसी ने तो नहीं प्रसंग लिखा, लेकिन जानकी के पास आकर अशोक वाटिका में खबर दी गई कि राम की मृत्यु हो चुकी है रण मैदान में, रावण ने लंकेश के हाथे राम वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं और बाजे बज रहे हैं रावण के। जानकी तुरंत निर्णय करती तो क्या होता, और कौन महिला स्वस्थ रह सकती थी, लेकिन जानकी कहती है कि मेरे पति की मृत्यु नहीं हो सकती और नहीं हुई है। कैसे? कि मेरे हाथ पैर के नख काले नहीं हुए हैं। देखिए हम मानस राम कथा इसीलिए महत्व की, मेरे हाथ पैर के नख काले नहीं हुए, सब प्रमाण है, मेरे शरीर के अंगों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मेरे बाल जैसे मैंने रखे हैं वैसे के वैसे, जिसको सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं, ज्योतिष विद्या, मैं आर्य नारी हूं, मेरे पति को कुछ होता तो मेरे अंग में मुझे पता लगने लगते कि मेरे पति को, मेरा पति जीवित है। आदमी को चाहिए थोड़ा वेट करे, थोड़ा सोचे, और थोड़ा सोचे, शब्द याद रखना, थोड़ा सोचे। हम ज्यादा सोचते हैं, मुझे ऐसा कहा तो क्यों कहा होगा, मेरा इरादा तो ऐसा नहीं था, फिर भी मुझे क्यों, ज्यादा मत सोचो, सम्यक सोच। आज की युवानी सोचती है बहुत, जो खिलौना टूट जाता है बच्चा फेंक देता है, हम बच्चे की तरफ भी नहीं जी रहे, जो विचार हमारी यात्रा में विघ्न कर रहे हैं, ऐसे टूटे फूटे विचारों को एक और छोड़ दो और आगे बढ़ो। विचार बहुत करता है आज के लोग बहुत सोचते हैं, और ओवर थिंकिंग के कारण फिर आदमी पागल सा होने लगता है और खबर नहीं कब कौन सा निर्णय करने जाए, बहुत सोचते हो। इस कथा का कल वाला एक वाक्य याद रखो, बापा ने भी अंग्रेजी में बता दिया कि सो तब संतोष से सो, जागो उत्साह से जागो। कोई तिलक करने की जरूरत नहीं, कोई माला करने की जरूरत, करो तो अच्छी बात है, पर तमे माला फेरीबाज करो अने मरी गयो ने तमे तो मारू हाव नड़ियू रहवा दीधू नहीं, एम कूटता कूटता हुओ तो तमे क्या ना आध्यात्मिक। अने सुबह उठो तब रोता रोता क्या गयो मनियोन, क्या गयो चुनियोन, कौन आध्यात्मिक, आध्यात्मिकता ने सिंगड़ा न हो। अकुलेन प्रसुतीन लल्लार सिंगम, अकुलवान ने माथे सिंगड़ा नहीं होता, अने कुलवान ने हाथ में कहीं कमल चित्रेला नहीं होता, पर यदा यदा मुच्यति वाक्य बाणम, जब वचन बोलता है उसी के मुताबिक जाति और कुल प्रमाणित हो जाते हैं, कि बोला और जाति और कुल का निर्णय हो जाता है। बाकी कुलवान ना हाथ में कहीं कमल आपड़े, ये तो हवे आम बदा हाथ में चित्रो तो कमल हो, ये तो बता नाटक है, बाकी कहीं कमल बमल हो ही नहीं। ऑपरेशन करावी करो तो लाल कमल थाय, लोई ना। सोचो, बहुत ज्यादा सोचती है आज की युवानी, नहीं सोचो। जब से सुना है उसी क्षण जीवन सुधार लो, देर मत करो। आप कहेंगे बापू आप ये सब करते हैं, मेरी बात छोड़ो, मैं तुम्हें पते की बात कहता हूं, मारा 70-70 साल थई, हवे केटलू खबर नहीं आपने,
तमारे हजी बहु जीववानुं छे मारा बाप, एटले इतने इतने छोटे छोटे बच्चे हजी तो माना खोळामांथी बहार निकले जा बापू 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 करे। आ जो श्रद्धा आपकी है, इस श्रद्धा के लिए मैं आपको प्रार्थना करता हूं, बहुत लंबी जीवनी जीनी है, छोटी छोटी बातें समझ में आ जाए। एक पति पत्नी फिल्म देखने गए और उसका एक बच्चा उसकी बेटी साथ में थी, पर कालो कोप मन बगड़ भी कहता था नहीं फिल्म जो आ गया। एक छोकरी घड़ी घड़ी एनी पागड़ी खेचे अंधारामा, बाळकी बिचारी पाछळ कोई सीट ऊपर बैठा है, मानभाई बापा मानबापा एनी पागड़ी खेचे, वळी पाछी बापो हरखी करे, वळी छोकरी ने रमत थई। बापाए जोयुं के नानू बाळक के पण बापो तो बोल्या वगर न रहे, बाजूवाळाने कोक ने कीधुं के आजे दीकरीने दूध पीती करता ई कोणे बंद करायुं। तो रमूज है, छोड़ो। एक बेटी है, माता पिता पिक्चर देखने गए लेकिन बहुत रो रही है, बहुत रो रही। अगल बगल के दर्शक डोरकीपर को, आखिर में तो मैनेजर तक शिकायत दी कि भाई हमारी पूरी इस पिक्चर देखने की मजा उठ रही है और ये बच्ची इतनी रो रही है कि क्या करें। शुरू शुरू में तो पति को भी बहुत गुस्सा आया कि मंजू तू तू आज सब पूरा थिएटर हमारे पर खफा है और तू ये क्यों? हूं कहीं नहीं करती, रोवे से तू शू करू, पर छोकरी एटले बोका हो बोका हो भयंकर। डोरकीपर आयो, आइसक्रीम आप्यू, नहीं आइसक्रीम नो लोंदो डोरकीपर અને રોવે એટલે કાળો કોટ। મેનેજર આવ્યો, બતાવ્યો આ શાંત થાય કરો, કાં તો તમે જાઓ ટિકિટના પૈસા પાછા આપી દઈ તમે નીકળી જાઓ। એમ કે અડધું ફિલ્મ જોયા વગર થોડું જોઈએ, મારે એમ જ જવું, તો છોકરું છે, તમારે પહેલા કહેવું હતું કે છોકરાઓની સાથે નહીં આવવાનું। એ વખતે છોકરી તો ચાલુ છે, એનું રડવાનું તો ચાલુ જ હતું। પેલો પતિ કહે છે કે અડધા પિક્ચરે આ પૈસા આપી દે છે, આપણે નીકળ, તમે શાંતિ રાખશો? બિચારો કઈ બોલી શકે નહીં, એટલે કીધું ભલે શાંતિ રાખો, ભલે। ફિલ્મ 10 મિનિટ બાકી રહી ને એટલે પતિને કીધું કે નીકળી જવું છે અને પૈસા લઈ લેવા છે, તો કે નીકળવું તો અર્ધેથી કેમ કે પેલું જોવું તો કે કોઈ સારું ગાણું આવે તો કાંઈ કાંઈ, આમાં તો કાંઈ નહીં, સાવ ડબ્બો છે। અને ચોંટ્યો ભર્યો છોકરીને, દીકરીને ચોંટ્યો ભર્યો અને જે દેકારો બોલે ઓલા પાછા આવ્યા, પૈસા લઈ લો, કે ઠીક લાવો લ્યો પૈસા, નીકળી ગયા। એમ બાપા એમ લાગે ને કે હવે આમ સન્માન સાથે નીકળી જવું છે ને પૈસાય ન ખર્ચાય, ત્યારે પોતાના મનને એક ચોંટિયો ભરી લેવો અને આ જગતમાંથી નીકળી જવું, એક પુકાર કરી લેવો, એક પુકાર કરી લેવો અને છેલ્લો છેડો સુધારી લેવો। ઓ આશે યદિ શરૂ હો જાય તો અદ્ભુત કામ હો સકતા હૈ બાપ। તો બહુ જ આપ સોચતે રહેતે, मैं तो जितने लोगों को देखता हूं तो विचार में ही देखता हूं। ट्रेन जाती हो, ट्रेन आम जाती हो, नहीं आम जाती हो, खबर नहीं कहां जा रहा है। सम्यक सोच। और मेरे भाई बहन, अकारण जो ज्यादा विचार है उसका निराकरण सद व्यक्ति के संग से, सद तत्व के सुमिरन से
और सदग्रंथ के वाचन से कम होता है। अच्छा पढ़ो, दिमाग को क्रिएटिव कोई 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 रचनात्मक कार्य में लगाओ। अकारण 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 चलता है। तो मेरा कहने का मतलब, कोई भी वस्तु शुभ कारक हो उसके लिए हमारा चिंतन होना चाहिए। वर धनवी नो श्रुति न गो विप्र वृंद प्रियो सीतान्वेषण तत्परो। मेरा तो मुद्दा यही था, सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो भक्ति प्रदो तो ही न ब्रह्मांबोधि संधवन कलिमर प्रध्वं सनो में किष्किंधा कांड के मंगलाचरण के दूसरे मंत्र में प्रभु के नाम की महिमा का गायन। कैसा है ये नाम? संसारामय भेषजम, संसार रूपी रोग का औषध है। आमय का अर्थ है रोग, निरामय का अर्थ है रोग मुक्ति। सर्वे संतु निरामया। संसारामय भेषजम, प्रभु का नाम कैसा है? संसार के रोगों का औषध है। सुखकरम, औषधि कैसी है? सुखद है, स्वादु है, कटु नहीं। उब जाए, उल्टी हो जाए, ऐसी औषधि नहीं। सुखकरम श्री जानकी जीवनम। गोस्वामी जी कहते हैं जानकी का जीवन है। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम् श्री नाम। जो शंकर भगवान के सुंदर मुख में निरंतर निवास करता है, श्रीमद शंभु उसके मुख में कायम निवास करता है। तुम पुनि राम राम दिन रात। कुल मिलाकर मुझे इतना ही कहना है मंगलाचरण में, पहले मंत्र में राम दर्शन, दूसरे मंत्र में राम नाम का दर्शन। फिर लोक बोली में तुलसी उतरते हैं तुरंत मंगलाचरण के बाद। मुक्ति जन्म महि जानी ज्ञान खानी अघहानी कर जहां बस शंभु भवानी सो काशी से। कल उसका उच्चारण हो चुका, काशी क्षेत्र का स्मरण किया है। और जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पाहि भजसि मन ओ कृपा।
तुलसी कहते हैं ऐसे शंकर को जो नहीं भजता, हे मन, अपने मन को कहते हैं हे मंद मन तू ऐसे शिव को क्यों नहीं भजता, उसके समान कौन कृपालु है, दाता कौन है। रामचरितमानस में 5 देव है जो मैंने वर्णन किए, देवताओं से मेरी बनती नहीं, लेकिन 5 देव मैंने निकाले। एक तो है रामदेव, मेरा राम, देव दयावस बड़ दुख पायो, रामदेव इसका नाम, राम राघव राम, एक तो रामदेव है। 33 कोटि देवता नहीं, हाँ ये 33 कोटि है ना, इनका तो वो करके करके फिर 33 निकाले गए, 11 रुद्रन, 8 वसुन, 8 लान, हाँ करी करी 33 की अश्विनी कुमार, तो अच्छा किया 33 का संक्षिप्तीकरण करके 33 करोड़ का 33 कर दिया। फिर 33 से जगतगुरु शंकराचार्य ने पंचदेव कर दिए, हमारे भजनिकों ने भी पंचदेव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु पंचदेव कर दिए, और इनमें से भी वो करते करते त्रिदेव कर दिए हमने, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 देव। इनमें से भी निकालना है तो मेरे मानस से मैंने 5 देव निकाले, एक रामदेव राघव, दूसरा नामदेव, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम् श्री राम नामा, नामदेव प्रभु का नाम, और तीसरा कामदेव, लाख गालियां दो वास्तविकता को ठुकरा नहीं सकोगे। तुलसीदास जी ने इतना कामदेव का वर्णन मानस में किया है, ये देव है। मैं जब काम पर बोला, खजुराहो में बोला, कोणार्क में बोला, अभी कहीं एक बार और बोलना है, अल्लाह करे काम मौका मिले, मानस काम दर्शन तुलसी के आधार, कामदेव है। मेरी व्यासपीठ ने कहा था कि आज तक किसी ने क्रोध देव नहीं कहा, लोभ देव नहीं कहा, लेकिन काम को हमने देव पदवी दी है, काम देव। तो हकीकत को नहीं वो करना चाहिए। अभी हमारे संस्कृत में देव विमर्श की कथा चलती थी और प्रवचन चलते थे, उसमें काम पर अच्छा बोला स्नेह, काम की बात, तो काम देव है। तुलसी लिखते हैं, भय का बस जोगीश तापस सत्य है, ऐसे देवों को वास्तविक जो है उसको मैंने ऐसे गणना की। और सबके पास एक गुरु होता है,
और उसको भी हम गुरुदेव कहते हैं। लेकिन ये तो वर्गीकरण है, बाकी सबसे बड़े से बड़ा देव हो तो वो महादेव है। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जिहि पान किए, मन मंद को पिपाल संकर। जिसके पास हो वो दे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जिसके पास कुछ भी न हो लेकिन भ्रुकुटी भंग से आश्रित जो चाहे वो भर दे, ऐसा कोई विश्व में है तो एक महादेव। शंकर के पास कुछ नहीं, उसके घर की तलाश ली जाए तो 7 वस्तु मिलती है, 8वीं वस्तु नहीं मिलती। हम कहते हैं किसी घर में जाए तो हम कहेंगे बस इतनी वस्तु में ये उसका घर कैसे चलता है, एक हैंडलूम है, एक ये है, एक ये, इसमें घर कैसे है? कोई भी कह सकता है घर में ऐसे में कैसे है? उसका घर का तंत्र कैसे चलता है। गंधर्व राज एक शब्द प्रयोग करता है पुष्प महिमना में, तंत्रोपकरणे, तंत्रो उसके घर का तंत्र इतने 7 उपकरण में कैसे चलता होगा। 7 मात्र शंकर के उपकरण घर में, 7 चीज, 8वीं चीज नहीं। लेकिन दे तो खबर नहीं क्या नहीं देता। कवि दादल नो शंकर तो कहे चपटी भभूत मैं है खजाना कुबेर का महोक्ष। पहला उपकरण शंकर के घर का महोक्ष, महोक्ष एटले बड़द, बड़द पण महोक्ष जारे बड़द नु नाम से त्यारे समझवानु महोक्ष उसको कहते घरडा बेल, बूढ़ा बैल, ये काय उपयोग मानो आवे। शंकर उभो करे तर उभो था है। पहली उपकरण घर का पहला सवारी के लिए पार्वती गणपति कार्तिकेय श्रृंगी भृंगी द्रिंगी ये सब इकट्ठे होकर नंदी को खड़ा करे, तब खड़ा होता है ऐसा वाहन महोक्ष। संस्कृत वांग्मय की भी अपनी एक वैभव होता है महोक्ष, घरड़ा बेल महोक्ष। खटवांगम, खटवांगम, खटवा इतले खाटलो, खाट सभा। शंकर के घर में विश्राम करने के लिए चार पाया नो खाटलो नो तो खटवांग, खटवांग का अर्थ है खाटला नो एकज अंग, एकज पाया नो खाटलो, ये के वो है एक पाया नो खाटलो। मैं बहुत सोचने लगा बे पाया होए तो हम त्रासो ही कराए, बे पाया होए अने धीरुभाई सरवैया नो खाटलो तो वळी पाछो बे पाया ने बे ओला ईंड़ा ने दीवाल में नाखी दीधेला, कारण के पाड़ोशी बधा खाटलो ज मांगवा आवे, जे मेहमान आवे आनो खाटलो, तमारो खाटलो आपो ने खाटलो आपो ने खाटलो आपे। पछी के के हवे करवू छू एटले बे पाया बार राख्या ने बे ओला बे पाया काढ नाख्या, खाटलो में दीवाल में भरावी दीधो के छे पण जोड़ेलो छे आ નીકળે એમ નથી, તો પાયા 4 નથી, 2 પીડ્યા છે તમે લઈ જાઓ ઘરે, 2 પાયા લઈને કૂટવું શું કરું, 1 પાયોનું ખાટલું તો મારો મહાદેવ જ કરે છે, 2 હોય તો આમ આરામે રહે આપણે, થોડુંક આમ પગ હાવ હેઠા હોય ને આપણે ફાવી જાય, 3 પાયા હોય તો કદાચ ન ફાવે પણ 2 માં તો ચાલે, આ તો 1 જ પાયો, એમાં એનો વિશ્રામ કેમ હશે। એટલે વાણ હતું ખાટલાનું, તમે જો હું તમને આમ પાથીએ પાથીએ તેલ નાખું,
વાણ વાણ જે તમને હવે ગામડાના આ છોકરાઓને નહીં ખબર, વાણ એટલે ખાતલામાં જે કાથીની જે વાણ પહેર્યું હોય એને વાણ કહે. એટલે શંકરને ત્યાં વાણ હતું, એટલે ખાટલો જેનાથી આપણે ગૂંથેલો હોય એ હતું. પણ ઈહળા પહાળા એ કાંઈ નહીં, ખાલી એક જ પાયો. એમાં પાછો આદમી વિશ્રામ કરે, કેમ વિશ્રામ કર્યો? એણે શું કર્યું? કૈલાસમાં ખાડો ખોદ્યો અને એક પાયો ખોદ્યો, એના ઉપર ઓલું વાણ આમ કર્યું, તંબુ કર્યું, એની અંદર જઈને હું ખટવાંગમ, વિશ્રામનો વિશ્રામ, ટાઢનો વાય, કાથીનું વાણ, થોડો ગરમાવો રહે. અમારા ભરવાડો જે ઊનના વાણ કરે, બકરાના વાળના વાણ કરે એવું વાણ, એટલે વચ્ચે આમ અને આખું વાણ આમ, એની નીચે બાપો હુએ. મોક્ષ ખટવાંગમ, ત્રીજી વસ્તુ પરસો. શંકર તો દુર્જટી હૈ, વન પ્રિય હૈ, ઉસકો તો વન મેં ઘૂમના હૈ, ઇધર ઉધર જાના હૈ, તો હથિયાર તો ચાહીએ. કોઈ જાડી ઝાંખ રહે હો તો ઉસકો રાસ્તા કરને. શંકર કે પાસ ઓર કોઈ, એક જૂના પુરાના પરશુ, એક પરશુ થા, એક કુહાડા થા, યે ઉનકા વો હૈ, એ ત્રિશૂલ ઓર શંકર કા ધનુષ, એ તો શંકર કી શોભા હૈ. બાકી મૂળ ગંધર્વને જો દેખા ઉસમે તો હૈ પરશુ. મહોક્ષ ખટવાંગમ પરશુ રજિનમ, ચોથું વસ્ત્ર કૈસા, રજિન માની વસ્ત્ર. યા તો વ્યાઘ્ર ચર્મ, મૃગ ચર્મ, યા તો દિશાકા વસ્ત્ર. મહોક્ષ ખટવાંગમ પરશુ રજિનમ, ચાર ભસ્મ, ભસ્મ લેપન, ઉસકા શ્રૃંગાર, ભસ્મ લગાતે. મહોક્ષ ખટવાંગમ પરશુ રજિનમ ભસ્મ ફણિન, શ્રૃંગાર સર્પ. બહાર જાય તો લોકો હારા કપડા પહેરી લે, કોટ સરખો પહેરી લે, ટોપી બરાબર પહેરી લે, માળા બાળા પહેરી લે, બહાર રાખે માળા, સોનાના દાગીના ઘણા ઉપર કોલરથી અહીંથી બહાર કાઢે. આ શંકર બહાર જાય એટલે ઘરેણું ફણીના, બહાર જવું છે, કુબેર કે ઘર જાના હૈ, આમ નામ જઈ તો કુબેર ને એમ થાય ગયા તો હાવ રૂખડ લાગે, એટલે ઘરેણું બેરણું નાખીને નીકળે પાણી ના. મહોક્ષ ખટવાંગમ પરસુરજિનમ ભસ્મ ફણિન, કપાલમ. ખાવા માટે પાત્ર તો જોઈએ, તાંસળી જોઈએ, કાસા જોઈએ, કપાલ ખોપડી પાત્ર છે. ભવદ ભ્રુ પ્રણિહિતામ, ગંધર્વરાજ કહેતા હૈ કે તેરે પાસ કુછ નહીં, લેકિન તેરી ભ્રુકુટી કે ઇશારે સે જો જો ભી માંગેગા ઉસકો તુ ઇતના દેતા હૈ, ક્યો દે સકતા હૈ કે નહીં. સ્વાત્મા રામમ વિષય મૃગ કૃષ્ણમ, જો અપને આત્મા મે હી પ્રસન્ન રહેતા હૈ ઉસકે પાસ ઉપકરણ મે કુછ નહીં હોતા, લેકિન દુનિયા કો માલા માલ કર દેતા હૈ. ચપટી બભૂત મે હૈ ખજાના કુબેર, તો મહાદેવ સમાન કોઈ દેવ નહીં. જરત સકલ સુર વૃંદ વિષમ ગરલ જહિ પાન કિયે, તેન ભજસિ મન મંદ કો ભાર શંકર. મેં ઇતના હી કહેકર આગે બઢું કે શંકર કો ભજો નહીં તો કોઈ ચિંતા નહીં, લેકિન શંકર કી નિંદા મત કરના. કૃષ્ણ કો ભજો ભજો, રામ કો ભજો, લેકિન મહાદેવ. અદ્ભુત પરમ તત્વ હૈ મહાદેવ, શિવ માની શિવ, ઉસકે સમાન, શિવ સમાન દાતા નહીં, વિપત વિદારણ ઉસકે સમાન કોણ હૈ. ઓર તુલસી કો ચોથે સોપાન કિસ્કિંદા કાંડ મે કાશી ઓર શંકર કી યાદ આઈ, ક્યોંકિ કાશીપતિ શંકર વાનર કે રૂપ મે કિસ્કિંદા કાંડ મે પ્રવેશ કરને વાલા હૈ.
हनुमान के रूप में ये काशीपति तो है, शिव है, वानराकार विग्रह पुरारी, ऐसा तुलसी का वक्तव्य है। तो शिव की इस तरह महिमा का गायन किया, और ये केवल नहीं बाकी शिव शिव है, इतना तो आप समझ लें, शिव शिव अद्भुत है। अवबुदम बुध गुरु कृपा थी सर होता है ना, पी मैंने बताया कि एक वक्त मानस महिम न करव चाहिए, मानस महिम के और फिर सूत्रों कितना मिलते आते हैं। तुलसीदास जी ने मुझे लगता है कि महिमन का वो बहुत प्यार किया है, अद्भुत महिमन स्तोत्र है, ऐसा स्मरण होने लगता है। छोड़ो, तो जरत सकल सुर बृंद विषम गरल जही पान किया, तेहिन भजसि मन मंद को कृपालु शंकर सरीसु। शंकर के समान कृपालु कौन है, इसके समान कृपा वर्ष बरसाने वाले कौन। उसके बाद तुलसीदास जी किष्किंधा कांड चौपाइयों में शुरू करते हैं, तब किष्किंधा कांड की ये पहली पंक्ति जो हमने इस कथा की भूमिका में रखी। सरोवर से आगे बढ़े, अरण्य कांड की कथा आप जानते हैं, पंपा सरोवर के तट पर अरण्य कांड पूरा कर दिया गया। एक तो
शबरी के पास जाने का संकेत भगवान राम को मिला था कि आप शबरी के पास जाओ, और फिर शबरी ने संकेत दिया कि आप आगे बढ़ो और सुग्रीव से मैत्री करो। तो इस शबरी के वचन पर परमात्मा आगे यात्रा करते हैं और ऋषिमुख पर्वत के निकट आ गए राम। बड़ा सुंदर ऋषिमुख पर्वत है। गोस्वामी जी कहते हैं वहां कौन रहता है? तहरब सजीव सहित सुग्रीव। अपने मंत्री परिषद के साथ सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर निवास करता है। सुग्रीव के कुछ सचिव हैं, कहीं उसके बारे में 6 सचिवों का नाम है, कहीं 5 है। जो विवादित अंक होता है उसमें तुलसी पढ़ते हैं, इसलिए तुलसी इतना ही बोलते थे, सचिव के साथ निवास करते। और सचिव शब्द का एक वचन में यहां अर्थ किया जाए तो मानस के आधार पर उसके पास एक ही सचिव है और वो सचिव का नाम है हनुमान जी। मेरे भाई बहन, और सचिवों को तो पगार देना पड़ता है, छुट्टियां देनी पड़ती है, TA-DA देना पड़ता है, जो जो लाभ मिलते हो ये सब देना पड़ता है, और फिर भी सचिव सच्चा झूठा स्वामी के कान में क्या डाले अल्लाह जाने। सचिव करो जीवन के, तो हनुमान जैसा सचिव होना चाहिए। रामायण में कुछ आध्यात्मिक सचिवों की ओर संकेत किया है। विभीषण, फिर मैं सुंदरकांड में प्रवेश करूं एक क्षण के लिए। विभीषण जब रावण से प्रताड़ित होकर जब राम की शरण में जाता है तब तुलसी ने लिखा है सचिव संगले नभपथ गए। सचिव को साथ ले, सचिवों को लेकर वो आकाश मार्ग से राम के पास जाता, तो सचिव साथ में है। मुझे अच्छा लगता है कि विभीषण के पास भी सचिव है और सुग्रीव के पास भी सचिव है। दोनों भाई अपने ज्येष्ठ बंधु से प्रताड़ित हैं। यहां वाली द्वारा त्रास दिया गया है सुग्रीव को और यहां चरण प्रहार रावण के द्वारा हुआ है, लेकिन दोनों के सचिव। और शरणागति सुग्रीव की तो सचिव हनुमान जी ने करवाई, और राम की शरणागति जब विभीषण की हुई तब केंद्र बिंदु हनुमान हुए। सच्चा सचिव हरि तक पहुंचा देता है। रामचरितमानस में ऐसे 2 सचिव जो आध्यात्मिक सचिव है उसकी बात आई है। मैं आपको केवल संकेत करते आगे बढ़ूं। सचिव विराग विवेक नरेश सचिव विराग सचिव विराग विवेक नरेश। बिरिदीन सुहावन पावन बिरिदीन सुहावन पावन।
श्यामदगिरी का वर्णन गोस्वामी जी जब करते हैं तब कहते हैं चित्रकूट ये नरेश है, उसका सचिव कौन है विराग, और इस प्रदेश का राजा कौन है कामदगिरी का विवेक, उसका राजा है, राज्य क्या है विपिन सुहावन सुंदर वन, ये उनका पावन राष्ट्र है। तो वैराग्य सचिव है। सुग्रीव का सचिव कौन है हनुमान, हनुमान वैराग्य का घनीभूत स्वरूप है, उसके समान वैरागी कौन। और दूसरे सचिव की चर्चा करते हुए गोस्वामी जी तीर्थराज प्रयाग की जब चर्चा करते तीर्थों का राजा तो उसका भी कोई सचिव होना चाहिए, तब मेरे गोस्वामी जी ने एक दूसरे आध्यात्मिक सचिव की नियुक्ति की, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरी आध्यात्मिक एक सचिव का नाम गोस्वामी जी ने दिया है जिसका नाम है सत्य। सुग्रीव के पास जो सचिव है वो वैराग्य है, विभीषण के पास जो सचिव है वो सत्य है, राम सत्य संकल्प प्रभु, उसका सत्य जितना भी है वो राम रूपी परम सत्य की ओर उसको खींचे जा रहा है। मेरे भाई बहन ये तो कथा है, ये प्रसंग है। हमारे जीवन में भी यदि हम बहुत भयभीत रहते हैं, यदि हम किसी से प्रताड़ित हैं, क्योंकि जीवन है कई प्रकार की उलझनों से, इसलिए गोस्वामी जी ने किष्किंधा कांड में विष का वर्णन किया, विषम गरल जेही पान किया। क्या मतलब था, शंकर को लाना था ये तो था ही क्योंकि काशी की बात है, लेकिन विषम गरल का अर्थ पंडित रामकिंकर जी महाराज ने जो किया वो बिल्कुल मुझे रास आया, मैं कहता रहा पंडित जी महाराज का ही अर्थ है, साकेतवासी पंडित रामकिंकर जी महाराज कहते हैं कि विषम गरल, विषम विष जहर शिव ने पिया, शिव के अंश के नाते हमें भी तो विषम गरल पीना पड़ता है, हम सबको अपने अपनी प्रॉब्लम होते। तब किंकर जी महाराज का अर्थ बड़ा सहायक होता। आपने कहा कभी कि विषम गरल, विषम जहर, विषम विष वो है कि जीवन में आती विषम परिस्थिति ही विष है, वास्तविक अर्थ है। इसके बिना सूत्र ठीक से जीवन के लिए उपयोगी नहीं बन सकता। हम सब विष नहीं पीते हैं लेकिन विषम परिस्थिति का तो पान हम सब कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को ये, किसी को आर्थिक, किसी को फला, किसी को कुछ, किसी को अने घरना प्रॉब्लम तो उभा जो है। टीनियो मैंने के आज सवारे हूं नाश्तो करतो तो मैंने के बापू तुम कथा आपो ने एमां मारे बहु मोटो फायदो थशे, बैरावो रसोई करता थई जाय, कथा सिवाय पछी कोई रसोड़ा में जातू ज नथी बापू, रमूज करतो तो बहनो ज बधु करे एम नहीं, तमे क्यारे खीचड़ी मूको पण आ चक्के शू छे चको खाली चोखानो दाणो लावे पछी हुई जाय, चोखानो लावे अर्धूत लावे कमन समाजना जे चका छे चको चकलीनी जे वार्ता छे, चको लाव्यो चोखानो दाणो चकली लावी मगनो दाणो एनी रांधी खीचड़ी, समाजनो चको आ तुषार शुक्ल ना अर्थ हो जो
તુષારભાઈ ના, એને બહુ સરસ અમારે એક જૂનાગઢના કાર્યક્રમમાં એને આવું કર્યો હતો. એટલે સમાજના ચકવા જે છે, ખાલી અમે કમાઈએ છીએ, અમે બધું લાવીએ છીએ, અમે બધું આણી દઈએ છીએ, ત્યારે તમે લહેર કરો છો આ બધા એવી રાડું પાડી પાડી, અને પછી કાંઈ ન કરે, ખાલી આખું આખું રાશન ન લાવે, ખાલી એક ચોખ્ખો જ લાવ્યો. લાવવાની જરૂર નહોતી, તું ચોખ્ખો રહ્યો હોત તો આની જરૂર નહોતી. પણ તારા મન કુટિલ, તારા વિચાર કુટિલ, તારું આચરણ કુટિલ, સુઈ જાય, લાવીને મૂકી દીધું, લ્યો તમે કરો. પછી જ કાળિયા કૂતરા આવે, કાળોડો કૂતરો આવે, પછી જ આ બધું શરૂ થાય. સાહેબ કે ઘણા ઘણા પુરુષો આ કથા સાંભળી સાંભળીને રસોઈ કરતા શીખી ગયા છે. ઘણા લોકો રસોઈ કરે, રોટલી બેન વણે, ચોલામાં નાખીને ફૂલ આવે, ઓઈલો પોપટલાલ ફૂલાવે, પછી કે ઘી હવે તું ચોપડ, તારે શું કરું, હું ખાઈ જાઉં. પ્રત્યેક વ્યક્તિ કો અપને પ્રોબ્લેમ્સ હોતે હૈ ઓર જીવન મેં આને વાલી વિષમ પરિસ્થિતિયાં હી વિષ પાન હૈ. મેરે યુવાન ભાઈ બહેન, વિષ પીના હી પડેગા. એક ફિલ્મ કા ગીત હૈ, ત્યાં કેમ ઉપાડ્યું સીધું, હા કા આણે ન ઉપાડ્યું, ગજાનને ન ઉપાડ્યું, તારો અનુભવ છે. વગાડ બેટા વગાડ તો, હા જીવન હૈ અગર જહેર તો પીના તો પીના, દુનિયા મેં હમ આયે હૈ તો જીના. દાણીભાઈ હું સાચા શબ્દો શું છે એ તો તમે કયો કવિતાનો પાઠ, હા હા, દુનિયા મેં હમ આયે હૈ તો જીના હી પડે. ઘણાને આ ગીત બહુ પાકું હોય, બાપ એ તો થોડે રસ કે મૂડ મેં મેં બાત કર રહા હું, લેકિન વિષમ પરિસ્થિતિ ઓર જીવન મેં વિષમ પરિસ્થિતિ ના આવે ના તો ભજન કેટલું પાક્યું એની ખબર ન પડે. એ ઈશ્વર કસોટી ડાલતા હૈ કે તેરા ભજન પરિપક્વ હુઆ કે નહીં, ઇસમે સે ગુજરના પડતા હૈ. જેમ જૈસે ભજન કરો ઓર વિષમ પરિસ્થિતિ આયે તો સમજના, નાસીપાસ મત હોના, હોના સમજના ચાહીએ કે ફલ પકને કી તૈયારી હૈ. આ બહોત ક્યુંકી હમ કરીબ કરીબ પહોંચતે હૈ ઓર ઉસી સમય હમ નાસીપાસ હો જાતે હૈ. પેલી સાધુ કી બાત નહીં કે બાર બાર વો નહાતા હૈ, બાર બાર વો ધોબી વો ડાલતા હૈ પાણી કા છીટા, ઓર ફિર વો પરમાત્મા દોડે કે મેરે ભક્ત કો યે ધોબી બાર બાર પરેશાન, ઈશ્વર નિકલ હી ગયે થે ઇતને મેં મહાત્મા કો મૂછ આવી કે મેં બંગડીઓ નથી પહેરી, ક્યાર નહોતું, મેં બિનતી કર રહા હું કુછ બોલતા નહીં, ઇસકા મતલબ એ કે મેં બંગડી પહેની હૈ, અબ જો મેં સ્નાન કરકે નિકલતા હું ઓર તુને જો ગંદે છાંટે ડાલે તો દેખ લેના. એસા કહા ઓર ભગવાન આધે રસ્તે સે નિકલ ગયે વાપસ. લક્ષ્મીજીને પૂછા ક્યું કે દોનો દોનો સરખે, દોનો ઠીક. ભજન ભજનાનંદીઓને વિપત્તિ ના આવે એવું કોઈ દિવસ બન્યું જ નથી જગતમાં, એ પક્કા, એ કસોટી હૈ. ઉસકા એક આનંદ હોતા હૈ તો કહેને કા મતલબ મેરે ભાઈ બહેન, વૈરાગ કા સચિવ અથવા સત્ય કા સચિવ,
ये जो साथ में आप लोग सच जो बराबर हैं और अपना त्याग बराबर है, बलिदान बराबर है, तो फिर तकलीफ नहीं हो सकती, बाकी होगी। विश्व का इतिहास कहता है कि जो परम तत्व को उपलब्ध हुए हैं बहुत कष्टों से गुजरे हैं, बहुत कष्टों से गुजरे हैं। ये नियम है। ऐसे समय में हम धैर्य न गंवाएं। कठिन बहुत, व्याख्या बहुत सरल है, लेकिन विषम परिस्थिति ही विषपान है, ऐसा पंडित जी का अर्थ किसको बोले। कुछ विपत्तियां देश के कारण आती हैं, कुछ विपत्तियां काल के कारण आती हैं, कुछ विपत्तियां गुण के कारण आती है, कुछ विपत्तियां अपने स्वभाव के कारण आती हैं। विपत्तियों को पैदा करने के चार केंद्र बिंदु हैं। अब आप ठंडे मुल्क में रहते हो जिंदगी भर और गर्म मुल्क में जाओ तो देश के कारण आपको विपत्ति आई है कि आपको गर्मी लग रही है, बहुत ताप लग रहा है, ये विपत्ति का कारण देश है। एक विपत्ति का कारण काल होता है, समय। हिमालय में आप गर्मी की ऋतु में जाओ तो तकलीफ नहीं, काल, लेकिन ऐसा समय पसंद करके हिमालय में जाओ तो आपको कष्ट होगा, वहां काल कारण बना है विपत्ति का। तीसरा कारण है गुण, अपना रजोगुण कभी विपत्ति का कारण बनता, अपना क्रोध तमोगुण विपत्ति का कारण बनता है। आखिरी आध्यात्मिक यात्रा में तो सत्व गुण भी विपत्ति का कारण बनता है। तुम जितने ज्यादा सरल होगे समाज ज्यादा सताएगा, तब तुम्हारा सत्व गुण तुम्हारी विपत्ति का कारण। गुण का अर्थ नहीं संस्कृति में होता है, गुण का अर्थ है बंधन, रस्सी, गुण मानी रस्सी, और रस्सी का काम है बंधन करना। गुण, गुण का अर्थ है बंधन करना, वो बांधता है। लेकिन देश से उत्पन्न होने वाली विपत्ति, काल से उत्पन्न होने वाली विपत्ति, विषम परिस्थिति, अथवा तो गुणों के कारण, एक घर में एक तमोगुणी है एक सतोगुणी है तो समझना विपत्ति रूपी कन्या जन्मेगी, क्योंकि आदमी तमोगुणी है, बेचारी बहन सतोगुणी है, अथवा तो उल्टू, पुरुष तो घना तमोगुणी होता है, हाव सत्वगुणी थी, हाउ टाढ़ा बोल थी गया। युवान भाई बहनों, कागड़ा ने कहू न पड़े ये क्यों फल बगड़ेलू से तरत एक मिनिट में गोती आपे, कारण के एनी दृष्टि जी है। अब्जोपति ने घरे लग्न ना समय हो प्रसंग हो तमने जम्मा बेसाड़े तो घना दोष दर्शन की वृत्ति हो भूल काटे के जरा बुफे नहीं व्यवस्था है, तू रांधणिया में बारणा बंद कर एकलो एकलो खा छो आने आखा जगत ने नोतरू से भूलू हूँ काटत बैठो। कागड़ो जेम क्यू फल काचू एने पकड़ी ले छे के बगड़ेलू, भूलो काटनारा भूलो शोध्या करे गुण ने कारण। भगवत गीता का मंत्रमय वाक्य है गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्थ, जो सत्व गुण है वो ऊपर जाए, राजसी मध्य में, और तमसा बिल्कुल नीचे जाता है। अपना गुण गुण कारण बनता है। साधु पुरुष को दुख पड़े, तपस्वी को दुख पड़े, कोई संत को, कोई बुद्ध पुरुष को, बुद्ध ने क्या बिगाड़ा समाज का, महावीर ने क्या बिगाड़ा, गांधी ने क्या बिगाड़ा, जीसस ने क्या बिगाड़ा, जीसस जैसा सुकोमल और मासूम व्यक्तित्व तो मिलना मुश्किल है साहब। जीसस क्राइस्ट इतना मासूम चेहरा इस आदमी को, आदमी का तो
गुणों के कारण विपत्ति आती है। छोकरा छोकरी ना लगन करवाए तो कुंडली मेळवानू बहु बंद करो, स्वभाव मेळवानू शुरू करो। कुंडली 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 कुंडली। और मैं ये मान्यताएं आज हैं, ऐसा नहीं, संस्कृत वांग्मय में भी, मेरे राम को जब वनवास मिला तब ज्योतिषकारों ने उसकी कुंडली निकाली और कहा कि राम का मंगल ग्रह विरुद्ध है, इसीलिए राज के बदले तत्काल वन में जाना पड़ा। मंगल ग्रह अने घना पंडितों ई वक्ते राम ने माटे मंगल ना जाप करवा बैठा। आगे का शब्द नहीं बोलू कहीं के। मंगल भवन ने मंगल नड़े। था इसलिए राम को वनवास, ऐसी घटनाएं तब भी निकली थी। स्वभाव मिलाओ, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हमारे दुख का कारण गुण है। तुम ज्यादा सरल ज्यादा सताए जाओगे, ये नियम है। बाप एक शेर में लाया था, दिला शरफ साहब का था, तूने ही लिख कर दिया। सॉरी, किसी की राह में आंखों को कर किसी की राह में आंखों को कर लिया पत्थर। किसी की राह में हमने आंखों को पत्थर की तरह जड़ दी। किसी की राह में आंखों को कर लिया पत्थर, अब इससे बढ़कर भला इंतजार क्या करता।